स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस फर्स्ट और MBBS मालिकपुर सेवन पब्लिक स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ज्यामिति के 12वां चैप्टर जो है व्रत, उसकी बात करेंगे। 12वां जो अध्याय है व्रत, उसमें भी 12.2 है उसकी हम बात करेंगे, बिकॉज 12.1 है इतनी वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कारण पूछे, सत्य असत्य पूछा है, जो परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन उस टाइप नहीं आते हैं। जो आने लायक है 12वें चैप्टर में वो क्वेश्चन मैं आज यहाँ पर कराऊंगा, जिसमें से स्टार्टिंग में दूसरा और तीसरा जो क्वेश्चन है ये पहले करा लेते हैं। 12.2 में भी जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि 12.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब ये आपको समझ में आ जाएंगे अदर क्वेश्चन, तो वो भी अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो भी खास जो प्रश्न है वो याद कराए जा रहे हैं। अब देखिए 12.2 का दूसरा प्रश्न, व्रत पढ़ रहे हैं तो मालूम होना चाहिए व्रत का यहाँ पर जीवा है। और अब दूसरे क्वेश्चन, जैसे कि यदि वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है और इसके एक जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो, तो इस जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी ज्ञात कीजिए। उससे पहले एक चीज़ हमें मालूम होनी चाहिए, वो क्या है कि एक जो वृत्त होता है उसका केंद्र, ठीक है, मान लो कि वृत्त है, इसका केंद्र ओ है और यहाँ पर कोई भी एक जीवा बनी हुई है, जैसे ये पी और ये क्यू एक जीवा है। ध्यान रखेंगे, अगर वृत्त के केंद्र से जीवा पर मान लो अगर हम लंब डालेंगे, जीवा केंद्र से जीवा पर अगर लंब डाला जाता है तो वो जीवा को बराबर भागों में डिवाइड करता है। तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। यही चीज हमारे दूसरे क्वेश्चन में और तीसरे क्वेश्चन में काम आएगी। ठीक है, अब हम स्टार्टिंग से इस क्वेश्चन को करते हैं। अब यदि व्रत की त्रिज्या, तो पहले व्रत बना लेते हैं, ठीक है, ये व्रत है। अब इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी देवी है, 13 सेंटीमीटर है, चलो ये इसका मान लेते हैं केंद्र है इसका। ओके, अब त्रिज्या 13 सेंटीमीटर, तो कोई भी एक त्रिज्या ले लेते हैं, सपोज अब ले लेंगे। उससे पहले फिर क्या कहा है, इसकी एक जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, जीवा की लंबाई कितनी 10 सेंटीमीटर है, तो पहले एक जीवा ले लेते हैं, सपोज ये हमने ले ली जीवा। ओके, और त्रिज्या कितने का था, 13 सेंटीमीटर, तो जीवा के दोनों सिरों को मिला लेते हैं केंद्र से, तो ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या, ये तो है 13 सेंटीमीटर त्रिज्या और जीवा कितनी है 10 सेंटीमीटर। अब ज्ञात क्या करना है, जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी ज्ञात करनी है। अब जीवा की केंद्र से दूरी ज्ञात करने के लिए अब इसका मध्य बिंदु ज्ञात करना पड़ेगा, फिर उसकी केंद्र से दूरी ज्ञात करने पड़ेगी। यहाँ पर हम रचना करेंगे, क्या रचना करेंगे, यहाँ पर हम रचना ये करेंगे, जो एक केंद्र है वृत्त का, इस केंद्र से ये जो सम्मुख जो जीवा है इस पर क्या डालेंगे, लंब डालेंगे। ओके, हम यहाँ लंब डालेंगे। अब ये जो लंब है इसका हमें माप बताना है। अब एक चीज ध्यान होनी चाहिए, हमने केंद्र से जीवा पर लंब डाला है तो जीवा का मान कितना था, 10 था, तो अब ये ऊपर वाला भाग भी 5 हो जाएगा और ये भी 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि केंद्र से जीवा पर जब लंब डालते हैं तो वो इसको आधा कर देता है, विभाजित बराबर भागों में, तो पहले 10 थी, 5 5 हो गई। अब हमें कुल मिला के जैसे यह नाम रख लेते हैं, इस केंद्र का नाम रख लिया ओ, इसका रख लिया ए, इसका रख लिया बी और इसका रख लिया सी, ठीक है, ए बी सी। अब हमको सी से लेकर ओ तक ये दूरी ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन संख्या दूसरा है उसका हल कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको लिखेंगे, दिया हुआ है पर लिख लेते हैं, दिया हुआ है एक, क्या दिया हुआ है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या कितनी है, 13 सेंटीमीटर, जीवा जिसकी लंबाई कितनी है,
10 सेंटीमीटर नेक्स्ट, और क्या दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमको ज्ञात क्या करना है, केंद्र से जीवा की दूरी, मतलब डायरेक्ट लिख लेते हैं ज्ञात करना है। ये लैंग्वेज नहीं लिखना है कि केंद्र से वृत्त की दूरी, यहाँ पर जो हमने अभी नामकरण किया है वो ही लिखते हैं, मतलब ओ की सी से दूरी ज्ञात करनी है तो ज्ञात कर लेते हैं ओ सी बराबर हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, सॉरी यार ये ओ ये सी, ओ सी की लंबाई या ओ सी का माप हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब ओ सी को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर पहले हम रचना करते हैं, रचना ओ सी लंब डालेंगे, किस पर लंब डालेंगे, कौन सी भुजा है ये, बी ए बी, ठीक है, ओ सी लंब डाल दिया हमने ए बी, ये नाम है ना, जो आप जो भी नाम लिखो उसके अकॉर्डिंग लिखा, जैसे मैंने यहाँ ए बी लिखा है तो आपको ए बी लिखना है, पी क्यू तो पी क्यू, यहाँ ओ केंद्र रखा है तो ओ, ये सी रखा है तो सी, नाम उल्टे नहीं लिखने, ठीक है, ओ सी लंब ए बी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अब उपपत्ति, केंद्र से उपपत्ति का मतलब है एक लाइन, जो नियम है ना रूल जो वो लिख लेते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे कि ये जो ए बी है ये जब ओ से ए बी पर लंब डाला है तो ये बराबर भागों में बट गई, वो एक कारण है, क्यों है बराबर भागों में बटी, वो उपपत्ति में कारण लिख रहे हैं। उपपत्ति केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को, एक तो लंब तो डालेगा, ये तो लंब समद्विभाजित करेगा, मतलब 90 डिग्री तो बनाएगा और समद्विभाजित करेगा, मतलब लंब समद्विभाजित करता है, लंब समद्विभाजित करता है, अतः तो अगर ओ सी अगर ए बी पर लंब है, ओ और सी ए बी पर लंब है, तो मैं कह सकता हूं ए सी बराबर बी सी, और इनका मान कितना हो जाएगा 5, क्योंकि पूरा ए बी का मान कितना दिया हुआ था 10, अब लंब डाल दिया है तो ए सी बराबर बी सी और इनका मान कितना है 5। अब ज्ञात जो भी करना है अब यहां पर लिखते हैं, ठीक है, इस साइड जाओ, ये डायग्राम है ना ये भी मिटा देते हैं थोड़ा, क्योंकि फिर जगह नहीं रहेगी। अब समकोण त्रिभुज लेते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ACO, ACO में इधर वाला भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें क्या है देखो, हाँ लंब या फिर पहले लिख लेते हैं आधार, कितना दिया हुआ आधार, ये 5 है, करण कितना है 13, और लंब हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं, मैं पाइथागोरस प्रमेय से था गोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है, करण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ही होता है हमको क्या ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है, आधार इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा करंट के साथ और लंब रह जाएगा अकेला, तो हम लंब को लेफ्ट साइड में लिख लेते हैं, लंब स्क्वायर बराबर करंट स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, अब इनका मान रखते हैं, लंब तो ज्ञात करना है तो इसको रहने देते हैं, वैसे लंब का मान क्या है, ओ सी है, तो हमने यहाँ पर भी लिखा था ओ सी की लंबाई, तो लंब की जगह लिख लेते हैं ओ सी और इसके ऊपर भी स्क्वायर, करण का मान कितना है 13 है और 13 का क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 और ये माइनस में है और आधार क्या है हमारा 5 है और 5 का स्क्वायर 25, ओके। अब इसको 169 में से 25 गए, पीछे रहेगा 144, ठीक है। अब ये ओ सी स्क्वायर का मान आया है, स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या जाएगा, रूट जाएगा, ओ सी बराबर हो तो 144 किसका रूट है 12 का, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं 12, और मान किस में थे सारे, सेंटीमीटर में, तो इसका भी रख लेते हैं सेंटीमीटर,
ओके ये क्वेश्चन संख्या जो दूसरा था वो हमारा सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन उसमें देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक वृत्त है जिसमें जैसे मान लो यहाँ पर केंद्र का नाम रख लेते हैं ओ, ठीक है। एक वृत्त में केंद्र के एक ही ओर मतलब एक ही दिशा की ओर दो जीवा है जिसका पहले का नाम दिया हुआ है एडी, ठीक है। पहले का नाम क्या है एडी और दूसरे का नाम दिया हुआ है ये सी और ये डी, इसका मान रख लेते हैं बी रख लेते हैं, ओके। ए बी और सी डी दो वृत्त की एक वृत्त के अंदर एक केंद्र के एक ही और दो जीवा है, पहली है ए बी और दूसरी है सी डी, ठीक है। ए बी और सी डी दो जीवाए जो प्रश्न में ये भी कहा गया है कि ये दोनों आपस में पैरेलल है, पैरेलल का मतलब समांतर है, तो हमें मालूम होना चाहिए, मैंने सर पहले भी कहा है कि एक वृत्त में केंद्र के एक ही तरफ अगर दो या दो से अधिक अगर समांतर जीवाएं होती है तो उनके लंब रेखाएं हमेशा एक होती है। सब मतलब अगर इस केंद्र से इस पर लंब डालेंगे ना तो मान लो ये रेखा आएगी, तो दूसरी ये जो पास में जो जीवा है इस पर लंब डालेंगे ना वो भी यहाँ से ही गुजरेगी, ना कि दूसरी अदर लाइन होगी, ठीक है ना। तो इनका लंब क्या होगा, लंब रेखा एक ही होगी और इसका मान पूरी का मान दिया हुआ है 6। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है और वृत्त की त्रिज्या हमको, मैं एक बार प्रश्न को एक बार वापिस रिपीट कर लेता हूँ, हमारे क्वेश्चन में मैं हल लिखता हूँ डायरेक्ट दिया, आप क्वेश्चन किताब में है आप उसको पढ़ सकते हो। क्वेश्चन में पूछा है एक वृत्त है जिसमें केंद्र के एक ही और दो समांतर जीवाएं ए बी और सी डी जिनका माप इसका तो दिया हुआ है 6 और इसका दिया हुआ है 12। फिर हमको पूछा है कि इन दोनों जीवाओं के बीच की जो दूरी है ना वो 3 सेंटीमीटर है, कितनी है 3 सेंटीमीटर। फिर कहा है कि आप इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, ओके। अब क्या करेंगे, हम रचना करेंगे कि केंद्र से दोनों जीवाओं पर क्या डालेंगे, लंब डालेंगे। तो मालूम है केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो ये पहले 6 थी तो इसका मान 3 हो जाएगा, इसका मान भी 3, ये पूरी 12 थी तो ये भी 6 हो जाएगी, ये भी 6 हो जाएगी, ठीक है। अब हम ज्ञात करते हैं, अब क्या करेंगे, या तो आप नीचे वाले इनके किनारों को केंद्र से मिला लो या तो ऊपर वाले दो किनारे इनको केंद्र से मिला लो, किसी एक को मिला लो, एक से काम चल जाएगा। जैसे कि मैं इनको मिलाता हूँ और एक ये वाला भी, ओके। और ये जो यहाँ तो हमने नाम रखा है केंद्र का ओ, और ओ से लेकर यहाँ पर जो लंब डाले इसका नाम हम रख लेते हैं क्यू और इसका नाम रख लेते हैं पी। अब क्या करेंगे, ध्यान दिया हुआ है एक वृत्त जिसके केंद्र के एक ही और दो समांतर जीवाएं ए बी व सी डी क्रमशः 6 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर है, इनका माप है। दूसरा और क्या दिया हुआ है, ए बी व सी डी के मध्य की दूरी कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है वृत्त की त्रिज्या की त्रिज्या ज्ञात करना है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, रचना करेंगे, क्या करेंगे रचना, ओके। अब रचना में क्या है, हम क्या करेंगे ओ से लेकर क्यू तक, ये देखो लंब रेखा तो एक ही है लेकिन नाम थोड़े अलग अलग लिख लेते हैं। ओ से लेकर क्यू तक मतलब ओ क्यू हमने लंब डाला, ये ओ क्यू किस पर है, सी डी पर है, तो यहां लिख लेते हैं सी डी। और दूसरा ओ से लेकर पी तक यहां पर भी लंब डाला है मतलब ओ पी, ये किस पर लंब डाला है, ए बी पर, ओके। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब पहले ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं ऊपर वाला ए ओ पी, और ये क्या है, समकोण त्रिभुज है क्योंकि लंब डाला है मतलब एक कोण 90 डिग्री समकोण हो गया है। तो अब समकोण त्रिभुज ए ओ पी में यहाँ पर क्या करेंगे, हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और वही यहाँ पर हम यूज करेंगे। मैं
पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे तो बताइए एओपी में करण क्या है? एओ है जो कि एक तरह से वृत्त की त्रिज्या भी है और वही हमें ज्ञात करना है, तो एओ लिखते हैं हम एओ, और इसका भी क्या करना है स्क्वायर, और लंब लिखना है, लंब पूरा है ओपी, और ओपी का मान हमको दिया हुआ है नहीं, इतना तो दिया हुआ है ना। अब कहा था क्वेश्चन में कि दोनों जीवाओं के मध्य की दूरी कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो ओपी पूरा तो नहीं दिया हुआ लेकिन टुकड़ों में दिया हुआ है, इतना 3 दिया हुआ है और इसका मान नहीं दिया हुआ है, तो हम ओपी की जगह 3+OQ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ठीक है, और प्लस आधार क्या है एपी, आधार एपी है और एपी का मान कितना दिया हुआ है, चलो पहले लिख लेते हैं आधार है हमारा एपी का, स्क्वायर भी करना है ओके। नेक्स्ट अब एओ का स्क्वायर, एओ का मान दिया हुआ है नहीं तो इसको एओ का एओ रहने दे, एओ का एओ रहने देंगे और इसको हम खोल देते हैं a+b का होल स्क्वायर सर्वसमिका लगा सकते हैं, नहीं तो अभी इसको रहने देते हैं 3+OQ का होल स्क्वायर प्लस ap का मान कितना दिया हुआ है, पहले तो पूरा 6 था और लंब डालते हैं तो संधिबाजित हो गई, तो 6 का था 3 और 3 हो गए और 3 का स्क्वायर होता है 9 ठीक है, ये तो हो गया है और इसका नाम रख लेते हैं समीकरण 1 ओके समीकरण 1। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब ऊपर वाला ये जो क्वेश्चन है ना ये मिटा देता हूं, अभी हमने कौन सा लिया था एओपी लिया था, अब लेंगे सीओक्यू, समकोण त्रिभुज सी ओ क्यू में, यहाँ पर भी हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और पाइथागोरस लिखने की जरूरत नहीं डायरेक्ट लिखते हैं, इसमें करण क्या है सी ओ है तो पहले करण लिखते हैं सी ओ का स्क्वायर बराबर लंब क्या है ओ क्यू, इस त्रिभुज को सी ओ क्यू, यहाँ पर लंब यही है ना ओ क्यू, और इसका भी स्क्वायर प्लस आधार क्या है सी क्यू, यह आधार है, देखिए पूरा पहले 12 था लंब डाला ज्यादा हो जाएगा मतलब 6 और 6 में हो जाएगा, तो इसका मान कितना 6 है, तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर कर दे डायरेक्ट सी क्यू लिखेंगे, इससे अच्छा है मान रख के डायरेक्ट स्क्वायर कर देते, और 6 का स्क्वायर 36 समीकरण 2 ठीक है। समीकरण 2 में अब 1 और 2 से, अब समीकरण 1 व 2 से, अब 1 और 2 से सी ओ जो लिखा हुआ है सॉरी हाँ अब देखिए सी ओ जो लिखा हुआ है ना ये सी ओ और ए ओ दोनों क्या है वृत्त की त्रिज्या है और वृत्त की त्रिज्या सदैव क्या होती है बराबर होती है, तो हम यहाँ पर एक मिनट सी ओ की जगह ए ओ लिख सकते हैं ताकि दोनों समीकरण में एक पार्ट क्या हो जाए बराबर हो जाए, तो सी ओ की जगह क्या लिख लिया ए ओ, क्योंकि सी ओ भी वृत्त की त्रिज्या है और ए ओ भी वृत्त की त्रिज्या है, और यहाँ पर लिख लेते हैं ओ क्यू का स्क्वायर प्लस 36 और इसका नाम देते हैं यहाँ पर हम लिख लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से अब इसकी जगह हम रख लेते हैं ये वाला मान ठीक है, क्या है 3+OQ कोष्ठक होल स्क्वायर प्लस 9, इसकी जगह तो ये लिख लिया है और ये तो है ही ओ क्यू का स्क्वायर क्या ओ क्यू स्क्वायर प्लस का 36। अब इसको a+b होल स्क्वायर सर्वसमिका से खोल देते हैं, अब a+b होल स्क्वायर सच में क्या होती है a स्क्वायर और ये हमारा क्या है 3 है और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 प्लस b हमारा क्या है ओ क्यू और ओ क्यू का स्क्वायर ओ क्यू स्क्वायर प्लस 2ab 2 और a हमारा 3 है 2 का गुणा 3 से करेंगे 6 और b है हमारा ओ क्यू 6 का गुणा ओ क्यू से करेंगे तो 6OQ और प्लस में क्या था 9 = OQ² + 36 ठीक है, ओ क्यू यहाँ पर भी प्लस का है और बराबर के उस साइड भी ओ क्यू प्लस का है, तो ये क्या हो जाएगा डायरेक्ट कट जाएगा 9 और 9 कितने हो जाएंगे ये डायरेक्ट जोड़ देते हैं 9 और 9 हो जाएंगे 18 और ये 60 नहीं 6 OQ है ठीक है ना, तो 9 और 9 हो जाएंगे 18
तो 6OQ, अब 18 इधर प्लस का होगा उधर भेजेंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 36 और 18 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और 36 में से 18 गए पीछे कितना बचेगा, 18 ही बचेगा, तो OQ, और 6OQ के साथ किस में है, गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18/6, और ये पूरी तरह से कट के आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, OQ का मान कितना आया, 3 आया, इसको मिटा देते हैं। अब हमें वृत्त की त्रिज्या पूछी थी, अब त्रिज्या अभी तक नहीं आई है लेकिन OQ का मान आया है, कितना आया है, 3 आया है, तो अब इसको एक बार पुनः त्रिभुज लेंगे COQ, COQ में अब हमको लंब मिल गया है और आधार तो पहले दिया हुआ था और हमको त्रिज्या ज्ञात करनी है जो एक तरह से इस त्रिभुज का क्या है, कर्ण। पुनः त्रिभुज COQ में अब इसमें भी क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, अब पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे, करण क्या है हमारा, CO है तो CO लिख लेते हैं, और लंब क्या है, अभी लंब हमने ज्ञात किया है, OQ है, कितना है, 3, 3 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख लेते हैं 9 प्लस, और इसका आधार क्या है, 6 है, और 6 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख लेते हैं 36, हाँ ठीक है, तो 6 का स्क्वायर लिख लिया हमने 36, अब 9 और 36 को जोड़ देते हैं कितना हो जाएगा, और स्क्वायर हटाते हैं तो सामने वाले भुजा पर क्या चला जाता है, वर्ग, सॉरी रूट चला जाएगा, तो CO बराबर, और ये हो जाएगा हमारे 45, और इस पर आ गया रूट, और 45 रूट किसका है, या ये 45 9 × 3 9 × 5 कितना होता है, 45 होता है, तो इसको टुकड़ों में, तो 9 आ जाएगा बाहर और 5 रहेगा अंदर, ये हमारा आंसर है। अब ये कैसे लाए, जैसे 45 के टुकड़े करेंगे 9 × 3 कर सकते हैं, तो 9 तो वर्ग है किसका, 3 का, तो 9 बार आके 3 बन जाएगा, सॉरी 5, 9 × 5 क्या होता है, 45 होता है, तो 9 तो 12 के 3 बन जाएगा, और 5 किसी का वर्ग है नहीं तो 5 तो अंदर ही रहेगा, तो 3√5, और ये मान हमारे था सेंटीमीटर में, तो इसको भी रखते हैं सेंटीमीटर, ये इसका आंसर है। CO त्रिज्या थी तो यह लिख सकते हो वृत्त की त्रिज्या बराबर 3√5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इस तरह एक यहाँ पर एक उपपत्ति है वो हमको ध्यान होना चाहिए कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को लंब समद्विभाजित करता है, जो हमने दूसरे और तीसरे क्वेश्चन में यही पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट 12.2 का अगर चौथा क्वेश्चन पढ़े, तो चौथे क्वेश्चन में एक डायग्राम दिया हुआ है, ध्यान से इस डायग्राम को देखेंगे। डायग्राम में AB और CD, ये DB है AB और ये DB है CD। अब यहां पर क्या है, चाप के बारे में पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन संख्या ये हमारा है 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, और 4 नंबर का क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है कि दो समान जीवाएं, ये क्या है, जीवाएं है AB और CD, ये दो वृत्त की जीवाएं है, और यहां मान लो क्या है, केंद्र, और समान है मतलब AB का मान अगर 10 है तो CD का मान भी 10, तो लिख लेते हैं दिया हुआ है एक वृत्त जिसकी AB व CD दोनों समान जीवाएं है, समान जीवाएं है और इनका माप हमें दिया हुआ नहीं है, और दोनों कहां पर प्रतिच्छेद करती है, E पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब जहां टकराती है प्रतिच्छेद बिंदु कौन सा है, E। अब सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, चाप, चाप DA, चाप DA बराबर चाप CB, बराबर चाप CB। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब इजी इसलिए है क्योंकि यहां पर हमको जीवाएं क्या दी हुई है, बराबर दी हुई है, तो एक कंडीशन ये है, तो पहले तो जो जीवाएं है उनको लिख लेते हैं, जीवाएं कौन सी है, AB बराबर CD, ये क्या दी हुई है, बराबर दी हुई है। अब क्या करेंगे, चाप, ये पूरा चाप है ना AB,
और ये पूरा चाप है सी डी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं चाप का साइन है ना ये होता है, ठीक है। तो आप हिंदी में चाप लिख सकते हो आगे, नहीं तो ऊपर साइन लगा लो समझ जाएगा कि चाप लिखा है ऊपर। तो चाप ए बी और चाप सी डी ये दोनों क्या है, बराबर है, क्योंकि अगर इनकी लंबाई बराबर है तो चाप भी क्या बनेगा, बराबर ही बनेगा। ए बी और सी डी बराबर है, ये चाप और ये वाला चाप दोनों क्या है, बराबर है। अब ध्यान देना, ये ए बी चाप और ये दूसरा सी डी या फिर डी सी चाप, इन दोनों में ये वाली क्या आ रही है, कॉमन आ रही है या नहीं आ रही है। ए बी चाप में भी ये डी बी आ रही है और सी डी चाप में भी ये डी बी आ रही है। तो मैं क्या करूँगा, ए बी चाप में से ये जो डी और बी ये है ना, डी और बी ये ए बी में से भी घटा दूंगा, और दूसरा ये जो सी डी जो चाप है ना इसमें भी मैं डी बी ये घटा दूंगा, ठीक है। कॉमन आ रही है, नहीं तो कॉमन ही है, दोनों तरफ हमने लिखा है डी बी, दोनों तरफ लिखा है और दोनों ही निशान भी माइनस में लिए, अभी तक भी पलड़ा बराबर है। तो अब ध्यान दीजिए, अब ए बी मतलब ये पूरा चाप है, इस ए बी चाप इस पूरे में से अगर इतना चाप डी बी हम अगर घटा देंगे ये वाला, तो इतना बचेगा। इस पूरे चाप में से अगर डी बी चाप डिलीट कर दिया तो ए डी ए डी बचेगा ना, तो ए बी चाप में से डी बी चाप गया, पीछे बचेगा ए डी चाप। ये सी डी पूरे चाप में से अगर इतना चाप हमने घटा दिया तो क्या बचेगा, बी सी बचेगा, क्या बचेगा, बी सी, या फिर ठीक है तो वही लिख लेते हैं। अच्छा हमें सिद्ध करना क्या था, डी ए और सी बी लाना था और वो आ जाएगा, तो डी सी में से डी बी गया, पीछे रहेगा सी बी या फिर बी सी लिख सकते हो, दैट्स ऑल। और ये हमें लाना था, इस निशान की जगह आप हिंदी में आगे चाप लगा सकते हो, एक ही बात है, ओके। और इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो गया है। ये शायद बहुत शॉर्टकट तरीका था, इसलिए समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, अरे चाप वाले क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल एकदम इजी होते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं। नेक्स्ट पूछा है पांचवी क्वेश्चन की, और इसमें आपके क्वेश्चन भी 10 क्वेश्चन हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन मैं वो आज करा देता हूँ, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जैसे कि पांचवा क्वेश्चन उसमें कहा गया है कि आकृति जैसे आपको दी हुई है क्वेश्चन में, का ए बी और सी डी एक वृत्त की समान जीवा है, ए बी और सी डी वृत्त की समान जीवा है, वृत्त का केंद्र ओ है, ओ एम, ओ एम लंब है ए बी पर और ओ एन लंब है सी डी पर, तो सिद्ध कीजिए कौन ओ एम एन, ओ एम एन और कौन ओ एन एम। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन संख्या 5, ओके। डायग्राम दिया हुआ है आपकी किताब में, मैं भी यहाँ जो दिया हुआ डायग्राम बना लेता हूँ। जैसी आकृति है वैसी यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, ए बी और सी डी, ये जीवाएँ दी हुई है, ये ए बी है और ये तिरछी ऐसे खींची हुई है सी डी, यू ये हाँ नाम है, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। फिर क्या दिया हुआ है, ओ एम और ओ एन, ये ओ एम यहाँ पर लंब डाला हुआ है और ओ एन यहाँ पर लंब डाला हुआ है, और ये नाम है ओ, ये है एम और ये है एन, ठीक है। फिर क्या किया हुआ है, इन दोनों को आपस में मिलाया हुआ है। अब हमको ज्ञात क्या करना है, इसको लिखते हैं, पहले तो लिख लेंगे दिया हुआ है, दिया हुआ है, लेकिन जो ज्ञात करना है वो पहले लिख लेते हैं, ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है इसमें, इसमें ज्ञात करना है कौन ओ एम एन, कौन ओ एम एन बराबर कौन ओ एन एम, ओ एन एम, ठीक है। मतलब ओ एम एन ये वाला कौन और ओ एन एम ये वाला कौन, इन दोनों को आपस में क्या करना है, बराबर सिद्ध करना है। अब ध्यान देना एक बार, ठीक है, यहाँ पर इनका माप कुछ नहीं दिया हुआ है। अब मैं एक बार पर क्वेश्चन जो वापस रिपीट कर लेते हैं कि ए बी और सी डी वृत्त की दो समान जीवाएं हैं, मतलब ए बी और सी डी का माप क्या है, बराबर है, ठीक है। फिर कहा है कि वृत्त का केंद्र ओ है और ये लंब डाला हुआ है, बस इतना ही दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं, एक वृत्त
जिसमें ए बी व सी डी दोनों समान जीवाएं हैं। ठीक है, दूसरा ओ एम लंब है, ए बी व ओ एन लंब है सी डी पे। लंब दिया हुआ है। अब एक चीज ध्यान रखना, ये ए बी जीवा है और केंद्र से क्या डाला गया है, लंब डाला गया है। तो केंद्र से जब जीवा पर लंब डालते हैं तो वो जीवा को क्या करता है, बराबर भागों में बांटता है। ये भी बराबर भागों में बट गया। अब इसमें कैसे करेंगे, अब हमको तो कौन ये वाले बराबर लाने। ठीक है, अगर हम ओ एम और ओ एन इन दोनों को अगर बराबर सिद्ध कर ले तो हम बराबर सिद्ध कर लेंगे तो कह सकते हैं कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है ना, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। अब बराबर लाने के लिए क्या करेंगे उसको ध्यान दीजिए। अगर पहले जीवा ए और बी को देखा जाए तो ओ एम इस पर क्या डाला गया है, लंब डाला गया है। और सी और डी को देखा जाए इस पर ओ एन क्या डाला गया है, ये भी लंब डाला गया है। एक चीज़ ये भी ध्यान होनी चाहिए कि बराबर माप की जीवाएं होती है ना, बराबर माप की जीवाएं, बराबर माप की जीवाओं के लंब भी हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बस ये एक लैंग्वेज एक उपपत्ति के थ्रू हमारा ये आंसर आ जाएगा। एक वृत्त में समान माप की जीवाओं पर डाले गए लंबों का माप भी हमेशा बराबर होता है। मैं यहाँ पर उपपत्ति लिख लेता हूँ, उपपत्ति। चाहे कैसी भी जीवा को लगा लो, चाहे ये जैसे बराबर माप की जीवा जैसे ये यहाँ पर है, इसको घुमा के फिरा के चाहे कैसी भी जीवा को सेट कर लो, लेकिन इनके जो लंब होते हैं ना वो सदैव एक ही माप के होते हैं। जैसे उपपत्ति लिख रहा हूँ, एक ही वृत्त की समान माप की जीवाओं के लंब सदैव बराबर होते है, बराबर होते हैं। इसका मतलब ए बी और सी डी क्या है, समान जीवा है, और ओ एम और ओ एन क्या है, लंब है। इसीलिए समान जीवाओं ए बी व सी डी के लंब ओ एम व ओ एन बराबर होंगे, या ओ एम बराबर ओ एन। ओके, दैट्स ऑल। अब ओ एम और ओ एन बराबर है तो अगर ये बराबर है ओ एम और ओ एन तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं जो नाम दिए तो वही लिखते हैं, तो ओ एम एन बराबर ओ एन एम। क्यों, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं। बस ये याद करना था, दैट्स ऑल। अब ये प्रश्न संख्या हमारा कौन सा था, पांचवा था। दिख रहा था डिफिकल्ट, उतना था नहीं।
तो ये देखो इस यहाँ तक अभी जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया इसमें दो उपपत्ति हमको याद होनी चाहिए। फर्स्ट कि केंद्र से जीवाओं पर जब लम्ब डालते हैं तो वो लम्ब जीवा को बराबर भागों में बांटता है। दूसरा, बराबर एक ही व्रत के बराबर माप की जब जीवाएं होती है तो उनके लम्ब भी क्या होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, अब देखिए एक क्वेश्चन ये कर लेते हैं हम, छः नंबर का क्वेश्चन, मतलब छः संख्या है उसका जो डायग्राम दिया हुआ है पहले वो बना लेते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है तो आराम से या फिर ध्यान से समझेंगे। यूं ये डायग्राम दिया हुआ है आपके और इसमें क्या कहा गया है, ये ए बी पूरी रेखाएं दी हुई है, यहाँ जहाँ प्रतिच्छेद करता है यहाँ से ए बी रेखा जाती है, ये है ए और ये है बी। ओके, ए बी रेखा है, फिर क्या कहा गया है कि बीच में से ओ और ओ डैश, ये केंद्र है इसका नाम है ओ डैश और इस केंद्र का नाम है ओ, इन दोनों को क्या किया हुआ है, मिलाया हुआ है। ठीक है, फिर क्या किया हुआ है यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर नाम दिया हुआ है बी, यहाँ दिया हुआ है, यह आपके किताब में डायग्राम बनाया हुआ है, ओ डैश को ई से मिलाया हुआ है, इसको ई से मिलाया हुआ है और इसको मिलाया हुआ है किससे, डी से, और यहाँ पर जो बिंदु है इसका नाम रखा हुआ है सी। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहा है कि आकृति जो ये दी हुई है, इस आकृति में ओ और ओ डैश दिए गए वृत्तों के केंद्र हैं, वो तो दिख रहे हैं केंद्र है हमारे, फिर क्या कहा है, ए बी और ओ डैश ओ क्यू, सॉरी ये जो ए बी रेखा और ये ओ और ओ डैश, ये और ये बी, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। हल दिया हुआ है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि ए बी समांतर ओ और ओ डैश, ओ डैश, ये दोनों आपस में रेखा क्या है, समांतर है। अब हमको सिद्ध क्या करना है, या फिर ज्ञात करना नहीं, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए बी बराबर टू ओ ओ डैश। बस अब क्वेश्चन को एक बार वापस रिपीट करते हैं। ठीक है, अब इस डायग्राम को समझ जाओगे तो आपको आंसर भी समझ में आ जाएगा। ये वाला भाग इसके क्या है, पैरेलल दिया हुआ है, अब देखिए, और इसमें क्वेश्चन में हमें बस इतना ही दिया हुआ है, अब ध्यान रखेंगे ये वाला और ये वाला भाग आपस में क्या है, समांतर है। अब क्या करते हैं, वो जो डैश दिया हुआ है और ये ओ, ओके, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, लंब मानते हैं, क्या मानते हैं, लंब। आकृति में आपको दिया हुआ नहीं है लेकिन ध्यान रखो कि ये आकृति में जो ये बनाया हुआ है ये यहाँ पर क्या है, लंब है। ठीक है, यहाँ पर लंब है, हमको आकृति में नहीं दिया हुआ है लेकिन हमको मालूम होना चाहिए, अगर नहीं रखते हैं और ये हमको आपस में समांतर भी दी हुई है। ठीक है, अब लंब जो होती है केंद्र से जीवा पर लाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, तो ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा क्या हो जाएगा, बराबर, ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा भी क्या हो जाएगा, बराबर। अब देखिए ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो इनका मान क्या होगा, मैं कह रहा हूँ और हमने पहले भी पढ़ा था, एक भुजा पर, पहले के वीडियो अगर आपने देखा है तो उसमें देख लेना कि एक भुजा पर दो या दो से अधिक लंब हमेशा समांतर होते हैं। इसका मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों क्या है, समांतर है, क्या है, समांतर है। इसका मतलब ये भी समांतर है और ये भी समांतर दी हुई थी, तो समांतर थी, इसका मतलब ओ डैश ओ डी ई ये पूरा एक चतुर्भुज कैसा है, समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज के समूह कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये 90 है तो ये भी 90, ये 90 है तो ये भी 90, और इस तरह से ये कैसी आकृति बन गई है, एक आयत बन गया है।
अब ज़्यादा हार्ड नहीं है। आयत बन गया है और आयत की आमने सामने की भुजाएं हमेशा क्या होती, बराबर होती है, नहीं तो समांतर चतुर्भुज कह सकते हो। समांतर चतुर्भुज की भी सदैव आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समान होती है। तो ओ डैश ओ बराबर ई डी और ई डैश ई और ओ डी बराबर, ये भी बराबर हो जाएगा। अब हल अब लिखते हैं, हमको सिद्ध करना है ए बी बराबर टू ओ डैश ओ, ये सिद्ध करना है। अब इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो इधर देखते हैं, ये जो पूरी लाइन है कौन सी, बी और सी, बी सी, अगर बी सी और ए सी इन दोनों को जोड़ दे तो भी क्या बन जाएगा, ए बी। लेकिन एक कंडीशन क्या है यहाँ, अब मैं वो यहाँ पर लिख रहा हूँ, हमको डायग्राम में देखो यहाँ पर है ना, आपको लंब का साइन नहीं दिया हुआ है, लेकिन चित्र है ना इसमें हमको देख कर मालूम होना चाहिए कि ये यहाँ पर है ना 90 डिग्री है, ठीक है, दिया हुआ नहीं, हमको मालूम होना चाहिए। चलो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ओ डैश और ई, ये ओ डैश और ई है, ये लंब है किस पर, ये बी और ये सी, किस पर, बी सी। वाह, ये दिया हुआ था हमने लिखा नहीं, लेकिन अब यहाँ पर लिख लेते हैं, अब लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखते हैं ओ डैश ई लंब बी सी, व दूसरा क्या था, ओ डी, ओ डी लंब सी ए। अगर ये लंब है तो ये आपस में पार्ट क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा, बी ई बराबर ई सी और सी डी बराबर ए डी या फिर डी ए, यही हो जाएगा। अब करते हैं, तो बी ई बराबर ई सी और सी डी बराबर डी ए, और इसका नाम रख लेते हैं समीकरण एक, ठीक है, समीकरण एक रख लिया है। अब देखते हैं, अब इसमें भी यहाँ पर लिख सकते हैं ओ डैश ओ बराबर ई डी, ये भी लिख सकते हैं आराम से, ओ डैश ओ बराबर ई डी, क्यों लिख सकते हैं, कारण क्या है इसका, ये समांतर चतुर्भुज हमने सिद्ध किया है, कैसे सिद्ध किया, ये लंब था, ये भी लंब था, ये समांतर इसकी दीवी थी, और एक आधार पर दो अगर, और ये लंब था ना, तो एक आधार पर दो लंब होते हैं तो वो हमेशा आपस में क्या होते हैं, समांतर होते हैं। तो यहाँ लिख लेता हूँ ओ डैश ओ डी ई एक आयत है, इसीलिए ओ डैश ओ बराबर ई डी, ई डी लिख लिया। अब ध्यान दीजिए, यहां पर जो हमने ई सी लिखा हुआ है ना, ई सी और बी दोनों क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है, तो मैं यहां पर ई सी की जगह यहां पर 2BC लिख सकता हूँ, ई सी की जगह 2BC लिख सकते या नहीं लिख सकते, आप बताइए, क्योंकि ई सी और बी दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, मैं इसी की जगह लिखते हैं या फिर इन्हीं को जोड़ देते हैं, ई डी और ये दोनों बराबर हो गए हैं, ई सी प्लस सी डी, चलो इसमें हम पूरा जो भी करना है यहाँ पर करते हैं। ओ डैश तो है ना, इसको तो हम लाना था, ये टू है वो तो आ जाए कोई बात नहीं, इसमें देखिए ई डी है ना, इसमें हम चेंजेस करते हैं, चलो यहाँ पर जब चेंजेस करेंगे तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब इसीलिए अब यहाँ पर करते हैं, ओ डैश ओ को तो रहने दीजिए, ठीक है, ओ डैश और ओ है इसको कुछ नहीं करना है, ई डी है ना इसको ध्यान दीजिए, ई डी की जगह हम यूँ लिख सकते हैं ई सी प्लस सी डी, ई सी प्लस सी डी, ऐसे लिख सकते हैं ई सी प्लस सी डी। आप ए सी को वापस लिख लें, ए सी जो दिया हुआ है इसको चेंज करते हैं, बराबर ई सी की जगह, ई सी क्या है, पूरी बी सी की आधी है, या फिर आधी है ना, क्योंकि ये और ये भाग बराबर हो जाएगा, क्योंकि जीवा पर डाला गया केंद्र से लंब जीवा को बराबर भागों में बांटता है, तो ई सी की जगह मैं लिख सकता हूँ बी सी बटा दो, क्योंकि ये पूरी इसकी आधी होगी, और प्लस सी डी, सी डी की जगह मैं ए सी बटा दो लिख सकता हूँ, ए सी बटा दो। आप देखो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, दो आएगा, ओ डैश ओ यहाँ पर लिख रहा हूँ,
ओ डैश ओ बराबर इनका लसब क्या आ जाएगा दो और ऊपर रहेगा बी सी प्लस ए सी। अब दो यहाँ पर भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा मतलब टू ओ डैश ओ बराबर बी सी और ए सी को जोड़ते हैं तो क्या बढ़ता है बी सी और ए सी या फिर सी ए को जोड़ते हैं तो क्या बढ़ता है पूरी रेखा संलग्न ए बी बनता है दैट्स ऑल। और ये हमको सिद्ध करना था, समझ में आया है, आकृति दी हुई थी, ये साइन हमको डायग्राम में नहीं दिया हुआ, हमको मालूम होना चाहिए है ओ ए लम था बी सी पर। तो इस तरह से एक बार वापस आप वीडियो को पूरा कंफर्म देख सकते हैं और इतने हमको लाना था मतलब इतनी सीधा।